मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत शानदार चल रही होगी और किसी भी तरीके से हमारे द्वारा आपको स्टडी में कोई भी रुकावट नहीं आ रही, ऐसा आपको लग भी रहा होगा। स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर धीरे धीरे कंप्लीट होते जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 14 चल रहा है। इसमें आज मैं आपको टॉपिक नंबर 14.7 वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण के बारे में बताऊंगा। इससे पहले स्टूडेंट्स, एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूंगा, हमारे जितने भी वीडियो हैं यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं, एक उसके साथ ही हर चैप्टर की पीडीएफ यूट्यूब का, जो भी आप वीडियो ओपन करते हो ना, उस चैप्टर का पीडीएफ उसके डिस्क्रिप्शन नीचे लिखा हुआ आता है डिस्क्रिप्शन, वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पर जब आप ओके करोगे तो आपको उस चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन विद आंसर, जितने भी क्वेश्चन आंसर आपकी बुक में है वो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्या करना है आपको स्टूडेंट्स, कोई भी वीडियो सर्च, कोई भी वीडियो आप लोग प्ले कर रहे हो, उस वीडियो, जो वीडियो उस जिस चैप्टर का, उस चैप्टर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, उस चैप्टर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, ना ही व्हाट्सएप पे जाने की जरूरत है, कभी भी आप किसी भी वीडियो को खोलिए, उस चैप्टर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए हमारा टॉपिक चालू करते हैं वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण के बारे में। तो इसके लिए आप लोग पेज नंबर 252 पर आइएगा, पेज नंबर 252 पर आते हैं हम लोग और चालू करते हैं टॉपिक वाटर कंजर्वेशन, वाइस एंड जुडिशियली यूज ऑफ वाटर। जल संरक्षण, हमें एक समझदारी पूर्वक हमें पानी का उपयोग करना चाहिए, यानी ऑफ वाटर का अंधाधुंध, जल का अंधाधुंध तरीके से हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। द डिमांड ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, पानी का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। डिमांड ऑफ वाटर इंक्रीजिंग विथ राइजिंग पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ने के कारण पानी की मांग, वाटर की मांग बढ़ती जा रही है। इससे क्या हो रहा है, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, पानी की कमी होती जा रही है। द टोटल नंबर ऑफ वाटर ऑन अर्थ रिमेन्स द सेम बट द एबिलिटी ऑफ वाटर यूज लिमिटेड। इस बात को मैं नहीं कह रहा कि पृथ्वी पर पानी की कमी है, खूब वाटर है, हमारी ग्लोब देखा है आपने, ग्लोब पूरा ब्लू कलर में रहता है, क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ पर बहुत ज़्यादा वाटर है, लेकिन जो पीने योग्य पानी है ना, पोर्टेबल वाटर है ना, वो बहुत कम है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, तो पानी की कमी हमारे पास बहुत कम है। लॉन्ग क्यूज ऑफ कलेक्शन ऑफ वाटर इज ए कॉमन साइट इन मेन सिटीज। कई आपने अपने शहरों में, अपने गाँव में देखा होगा, लोग वहाँ पानी के लिए लाइनों में खड़े रहते हैं, पंक्ति में खड़े रहते हैं। चेंजिंग स्टाइल लाइफ स्टाइल हैव इंक्रीज अमाउंट ऑफ वाटर विच कंज्यूम वेस्टेड। आज हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो चुका है, लाइफ स्टाइल चेंज होने के कारण पानी का उपयोग हम दिन प्रतिदिन करते ज्यादा करते जा रहे हैं। कंज्यूम्ड वेस्टेड दीज आर लीडिंग टू शॉर्टेज ऑफ वाटर इज मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आज विश्व के कई भागों में पानी की कमी हो चुकी है। देयरफॉर वाटर शुड बी यूज केयरफुली, वी यूज द वेस्ट वाटर, हमें पानी का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए, और वी यूज नॉट वेस्ट वाटर, हमें पानी का जो शुड वी शुड नॉट यूज वेस्ट वाटर, हमें पानी का व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, व्यर्थ नहीं करना चाहिए पानी को। दे आर इज सम वेज ऑफ कंजर्वेशन वाटर, यहाँ पर आपको कुछ आइडियाज दिए गए वाटर को कंजर्व करने के, जल को संरक्षण करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं, आइए उसको पढ़ते हैं। गेटिंग ऑल लीकिंग टैप्स रिपेयर, मान लो आपको कहीं पानी लीकेज हो रहा है तो उस लीकेज को पहले रोकिए, पानी व्यर्थ बह रहा है, वेस्टेज जा रहा है, तो हमें उसको रोकना पड़ेगा, उसको सही करवाइए। नेक्स्ट, यूज बकेट फॉर टेकिंग बाथ इन सीटेड ए वाटर, पानी कहीं भी आप नल से पानी तो सीधे पानी डायरेक्ट ना ले, नीचे एक बाल्टी रखिए उसमें पानी भरिए, तब जाके आप अपना कोई काम करिए। नेक्स्ट पॉइंट, इन सीटेड वॉशिंग ए फ्लोर यूज ए मॉप, वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ए बाउल ऑफ वाटर नॉट अंडर ए रनिंग टेप। कब हमें फ्रूट्स वगैरह सब्जियां धोनी चाहिए, मैं जानता हूँ कोई फ्रूट्स है वेजिटेबल्स है धो के खाना चाहिए, लेकिन हमारी क्या आदत है, हम टैप नल खोलते हैं सीधे उसको धोते हैं, इससे पानी बहुत ज़्यादा वेस्टेज है। एक बाउल लीजिएगा, एक कोई बर्तन लीजिए, उसमें पानी भरिए और तब जाकर उसको धोइए, ताकि आसानी से हमारा पानी वेस्टेज भी नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, कलेक्टेड रेन वाटर एंड यूज इट फॉर गार्डनिंग एंड रीचिंग ग्राउंड वाटर। इसके अलावा पानी को इकट्ठा करिए और गार्डन, जो हमारा बगीचा वगैरह था उसमें इकट्ठे हुए पानी की सिंचाई करने में भी काम आता है। एंड लास्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, वॉश योर साइकिल्स कार ईटीसी यूज फॉर बकेट वाटर इंसेटेड ऑफ पाइप्स। हम अपने व्हीकल वगैरह भी साफ करते हैं, आपको ध्यान होगा, तो हम क्या करें, नली लगा लेते हैं, नली से पानी को, सॉरी हमारे कार हैं,
साइकिल है उनको साफ़ करते, नहीं, बाल्टी में पानी लीजिए, कपड़ा लीजिए और उससे आप साफ़ करिए ताकि हमारा पानी कम वेस्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से पानी को बचाना हम लोगों की मॉरल ड्यूटी बनती है। हम लोग यदि अभी पानी नहीं बचाएंगे तो आने वाले समय में पानी बहुत हमें मिलेगा ही नहीं। आज देखते हो पानी हमें पैसों में बोतल 20 रुपीज़ की बोतल्स आती है, पाउचों में पानी आ रहा है। एक ज़माने में पानी की कोई कीमत कोई लोग नहीं समझते थे, आज पानी पैसों में भी मिल रहा है, टैंकर के टैंकर लोग पानी मंगवाते हैं। तो पानी हमारे लिए गर्मी के दिनों में आप लोग समझ सकते हो कितनी समस्याएँ हम लोगों को आती है। हम लोग स्पेशली राजस्थान से हैं तो हम लोगों के यहाँ तो वैसे ही पानी की कमी है, इसलिए पानी आप लोगों को ही बचाना चाहिए और हमारी भी मॉरल ड्यूटी है कि पानी को वेस्टेज कहीं देखते हैं उसको नल बंद कर देना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताऊंगा और आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, पीडीएफ आपको वही मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।